हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम कम बैक राहुल। हे गाइस, आप सब कैसे हैं दोस्तों? आज संडे का दिन है और एंजॉय कर रहा हूं मैं, और मेरे साथ मेरे फ्रेंड हैं जो कि बहुत एक्साइटेड हैं। और हाय दीपांकर, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन। कैसे हैं आप? ठीक है। और क्या कर रहे हैं अभी आप? कार सीख रहे हैं। कार सीख रहे हैं। ये किसकी कार है? फादर की कार है। तो दोस्तों, ये वैगनार है मारुति सुजुकी की, और बहुत अच्छी गाड़ी है, और दीपांकर की अपनी पर्सनल कार है। तो आज मैं इसको लेके आया हुआ हूँ कि रिवर्स कराना सिखाऊंगा कि रिवर्स में कार पार्किंग में कैसे लगाई जाती है। अक्सर लोगों को रिवर्स में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सो गाइस, अब आपका इंतज़ार खत्म हुआ। आज आपको वो वीडियो मिलने वाली है मेरे चैनल पर जो कि जिससे कि आपको 390 डिग्री से कॉन्फिडेंस आ जाएगा रिवर्स करने का, पार्किंग करने का, स्लोपिंग का। ये सारी चीज़ आज मैं कराने वाला हूँ। तो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं हर दिन आप कुछ ना कुछ नया सीख सकें। अगर गाइस आपको मेरे से बात करनी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लर्निंग टू ड्राइव राहुल मित्तल के नाम से मेरी आईडी है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप फॉलो कर लीजिएगा। एक मेरा सेकंड चैनल है कार नॉलेज बाय राहुल, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे भी इस तरीके की वीडियोस मिल सकती हैं। और आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं राहुल मोटर ड्राइविंग स्कूल पिकनिक स्पॉट के नाम से। सो गाइस, दीपांकर से बात कर लेते हैं। दीपांकर, आज क्या करने वाले हैं आप? हम रिवर्स में आज कार सीखने वाले हैं। रिवर्स में? तो अभी आपने कार स्टार्ट कर ली, सीट बेल्ट लगा लिया, साइड मिरर एडजस्ट कर लिया, तो हम लोग बात कर लेते हैं स्टीयरिंग के बारे में। एक्चुअल में ये होता है क्या, लोगों को स्टीयरिंग का रोल ही नहीं पता होता कि स्टीयरिंग को किस साइड काटना है तो किस साइड हमारी गाड़ी जाएगी। 90% लोगों को ये लगता है कि राइट स्टीयरिंग काटेंगे तो हमारी गाड़ी लेफ्ट जाएगी, लेफ्ट काटेंगे तो राइट। वो माइंड में कंसेप्ट ये रहता है ना, क्योंकि रिवर्स गियर में चलाना है तो उनको लगता है कि स्टीयरिंग अपोजिट साइड काटना, पर ऐसा नहीं है। अगर हमको फ्रंट में जाना है, राइट स्टीयरिंग टर्न करना है, तो हमारी गाड़ी राइट राउंड करेगी, और अगर हमको रिवर्स में राइट जाना है तो राइट ही स्टीयरिंग काटना है, क्योंकि जो अगले व्हील होते हैं दोनों वो स्टीयरिंग से कनेक्ट होते हैं, पिछले फ्री होते हैं। सो गाइस, आप ध्यान दीजिएगा, दीपांकर जी ने गाड़ी स्टार्ट कर दिया अभी। चलो, आप गियर की प्रैक्टिस कर चुके हैं? कर चुके हैं। हाँ, तो इसको न्यूट्रल करो, न्यूट्रल बीच में हो गया, न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है, ये बीच में, ठीक है। अभी आप स्टीयरिंग राइट काटो, पूरी राइट। एक राउंड हो गया, दो राउंड हो गए, आपने पहले से एक राउंड काट रखा था, इसको सीधी करो। एक राउंड मेरी तरफ लाओ, एक और, अब ये दो राउंड सीधी हो गई, अभी पहिया आपका एकदम सीधा है। अभी अगर राइट आपको कार को बैक करना है तो पूरी स्टीयरिंग राइट काट दो, खड़ी गाड़ी जो मॉरल पार्किंग होती है, राइट काटो पूरी स्टीयरिंग। एक राउंड, एक और, दो राउंड हो गए। हाँ। अब आप बैक गियर डालो, पूरा राइट दबाओ, पीछे करो बेटा, इसको राइट दबा के रखना है। देखो ये होता है, ये इसमें जरा सा भी मतलब आपने प्ले कर दिया ना, ये देखो पूरा इसको, देन राइट, और ये रिवर्स गियर हो गया, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे राइट ऐसे दबाया फिर उसके बाद लूज कर दिया तो ये कौन सा गियर हो गया? फोर्थ गियर, ठीक है। तो रिवर्स के लिए पूरा इसको राइट पुश करके रखना है, ये, ठीक है। अभी आपने स्टीयरिंग किधर काटी है? पूरी राइट, ठीक है। अभी गाड़ी आपकी किधर जाएगी? आप हाफ क्लच छोड़ो, राइट वाला पैर ब्रेक पे रखो, ब्रेक पे, ठीक है। स्टीयरिंग सही से पकड़ो, डरे डरे मत बैठो, एकदम कूल माइंड से। अब थोड़ा सा हाफ क्लच छोड़ो, हाफ, इससे ज़्यादा नहीं। ब्रेक पे पैर रखे रहना, हाफ क्लच, धीरे धीरे जाना है, धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे, हाँ, पूरा क्लच नहीं छोड़ना है बस। अब गाड़ी देखो राइट राउंड कर रही है, धीरे 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 धीरे, झटके से नहीं जाने, तो गुड 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 गुड, झटके से छोड़ दिया बेटा आपने, इसलिए गाड़ी बंद हो गई। पूरा क्लच दबा के इंजन ऑन करो, हाफ क्लच छोड़ना है, सिर्फ हाफ से ज़्यादा नहीं। राइट वाला लैग आपका ब्रेक पे रहेगा प्रॉपर, अगर ब्रेक पे नहीं तो फिर भिड़ जाएगी। क्योंकि यहाँ एक्सीलेटर की जरूरत नहीं है। हाफ क्लच छोड़ो धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे, हाँ बेटा, आप क्लच ही नहीं रिलीज कर रहे हो तो गाड़ी की। कहाँ किया है रिलीज? हाफ क्लच छोड़ोगे तभी तो गाड़ी बढ़ेगी, जाने दो। अब देखो गाड़ी किधर जा रही है, राइट जा रही है, जा रही है, पूरी राइट गई। अब रोको पूरा क्लच और ब्रेक, स्टॉप, गुड। अब दोस्तों देखो गाड़ी कहाँ पे खड़ी थी, गाड़ी कहाँ गई, इसने पूरी स्टीयरिंग राइट काटी थी तो गाड़ी पूरी राइट हो गई। अभी और जाने दो, राइट राइट ही कटी रहने दो, धीरे धीरे साइड मिरर में देखो दीपांकर, ताकि आपको पता चलेगा। सीधे बैठ के देखो, एकदम कबूतर की तरह मत देखो, एकदम अलर्ट होके रखो। चलो जाओ धीरे धीरे, गुड, धीरे धीरे क्लच छोड़ो, हाँ। नज़र कहाँ है आपकी बेटा? गाड़ी जब बैक जाती तो हमारी नज़र बैक में रहती, साइड मिरर से, लुकिंग ग्लास से। जाओ धीरे धीरे, क्लच छोड़ो, क्लच छोड़ बेटा। क्लच जब गाड़ी गियर में एक्टिव होगी ना, जरूरी थोड़ी किसी गाड़ी में 20%, किसी में 50%, किसी में 90% क्लच रिलीज करना होता है,
जाने दो धीरे धीरे, जाने दो, गुड गुड गुड, जाने दो जाने दो, जाओ 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 जाओ, और जाओ और जाओ और जाओ, स्टॉप करो पूरा क्लच और ब्रेक। अब देखो गाड़ी कहाँ आ गई आपकी, पूरी गाड़ी राउंड कर गई। अब स्टीयरिंग सीधा करो, दो राउंड हो गए, अब पहिया आपका एकदम सीधा हो गया है। अब इसको न्यूट्रल करके पहला गियर डालो, बेटा पहला गियर डालने को बोला है ना मैंने, ठीक है। अब थोड़ा सा गाड़ी आगे बढ़ाओ, राइट वाला पैर ब्रेक पे रखना, थोड़ा सा हाफ क्लच छोड़ना है, हाफ क्लच, हाफ क्लच छोड़ो, गुड जाने दो। हाँ अब पूरा क्लच दबाओ धीरे से ब्रेक, गुड, गाड़ी रुक गई। अभी आपका स्टीयरिंग एकदम सीधा हो गया। अभी आपने किधर स्टीयरिंग काटा था, राइट, राइट काटा तो गाड़ी किधर गई, राइट ही गई, और लेफ्ट काटेंगे तो लेफ्ट जाएगी। तो अभी फिर आपको राइट काटना है, स्टीयरिंग पूरी काट दो, राइट फुल कट गई। अब न्यूट्रल करके बैक गियर डालो, हल्का सा न्यूट्रल, बस अब राइट दबाओ पूरा गियर लीवर, अब पीछे खींचो, गुड। अब धीरे धीरे क्लच छोड़ो, गाड़ी फिर राइट जाएगी। चलो ब्रेक तो छोड़ो, आपने ब्रेक दबा रखा है तो गाड़ी कैसे चलेगी फिर। हाँ बस जा रही राइट, जाने दो, फुल कटी रहने दो, फुल फुल कटी रहने दो, उसको राइट की तरफ काट के रखो बेटा स्टीयरिंग को। हाँ बस ब्रेक नहीं दबाना है, जाने दो, फुल कटी रहने दो, फुल फुल, घबराओ मत, डरो मत, जाने दो फुल, गुड गुड वेरी गुड, जाने दो। अब आपने फुल राइट काटा है तो गाड़ी देखो फुल राइट राउंड हो रही है, जीरो बन रहा है। ब्रेक मत दबाओ, ब्रेक मत दबाओ, आप ब्रेक दबा रहे हो इसलिए गाड़ी जर्किंग कर रही है, गड़गड़ 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 कर रही है। अब देखो ये पूरा राइट राउंड हो रहा है। हाँ। बच्चा ब्रेक मत दबाओ, नहीं दबाया तो गाड़ी वाइब्रेट कर रही थी ना, अब देखो नहीं दबाया तो नहीं कर रही है, उस टाइम ब्रेक आपने दबाया था, ब्रेक पे सताना नहीं, पैर मत हटाओ, पैर उसी पे रखो बट दबाओ मत, फिर दबा लिया आपने, नहीं दबाया सही में, तो क्लच को हल्का सा छोड़ो। हाँ बस रुको, पूरा क्लच और ब्रेक, ये गाड़ी वाइब्रेट क्यों कर रही थी, क्योंकि उसको स्पीड नहीं मिल पा रही थी। अभी जैसे कि हमको लेफ्ट जाना है, ठीक है, अब स्टीयरिंग सीधा करो, बस हो गया। अब आप सीधा सीधा जाओ थोड़ा सा, चलो ब्रेक छोड़ो, अभी गाड़ी देखो सीधी जाएगी आपकी, यहाँ से भी देख सकते हो आप यहाँ से। हाँ चलो हाफ क्लच छोड़ो, बस राइट वाला लेग आपका ब्रेक पे रहेगा, जाने दो, हाँ गुड। अभी लेफ्ट राइट हैंड पे आपके पेड़ है, अब रोको पूरा क्लच और ब्रेक, स्टॉप, बस। अब देखो ये पेड़ है ना आपके बगल में, ठीक है, आपकी गाड़ी पेड़ से कितनी दूरी पे है, ज़्यादा मतलब डेढ़ से दो से ढाई फीट गैप है ना। हाँ। अब आपको करना क्या है, इस गाड़ी को ले जाना है पूरी पूरी फिल, अब लेफ्ट काट दो, पूरी लेफ्ट काटो पूरी फुल, हाँ कट गई। हाँ। अब जाओ धीरे धीरे क्लच छोड़ो और राइट साइड देखना, नहीं तो पेड़ में टकराएगी, जाओ धीरे धीरे क्लच छोड़ो, जाओ धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे क्लच छोड़ो, धीरे धीरे एकदम धीरे धीरे, हाँ स्टॉप स्टॉप, हाँ सीधी करो स्टीयरिंग, एक राउंड और बस, अब थोड़ा पीछे जाओ नहीं तो फिर इसमें टकरा जाती पेड़ में, देखो स्पेस नहीं कम है बहुत, जाओ हल्का सा राइट जाओ, बेटा स्टीयरिंग क्यों घुमाया आपने, बस सीधी हो गई, अब जाने दो पीछे थोड़ा, जाओ और बस स्टॉप, अब काट दो पूरी लेफ्ट फुल, काट दो लेफ्ट फुल, अब देखो पेड़ वहाँ से निकल गया, नहीं तो अगला हिस्सा आपका बोनेट वाला टकरा जाता। चलो पीछे जाने दो धीरे धीरे, हाफ क्लच पे ही, चलो गुड, जाने दो धीरे धीरे, हाँ जाओ 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 धीरे धीरे, जाओ जाओ पूरी कटी रहने दो, जाओ जाओ स्पेस है, जाओ जाओ जाओ, गुड 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 वेरी गुड, कटी रहने दो फुल, फुल कटी रहने दो फुल, हाँ जाओ जाने दो, गुड सीधी करो स्टीयरिंग, एक राउंड और बस बस एकदम सीधा जाओ, गुड वेरी गुड, जाने दो, चलो जाओ जाओ, गुड गुड गुड, और जाओ थोड़ा और अब राइट काटो स्टीयरिंग, हाँ धीरे धीरे जाने दो, रोको मत, चलते चलते काटो, चलते चलते गाड़ी को मूव करते करते टर्न करो, हाँ अब सीधी करो स्टीयरिंग हल्का सा, बस और सीधी करो और बस, जाने दो पीछे, राइट काटो थोड़ा सा राइट, बस लेफ्ट आओ हल्का, स्टॉप, बस अब सीधी करो स्टीयरिंग, बस ये
बच्चा आप याद रखा करो कितने राउंड काटे हो, कितनी क्या कर रहे हो आप, ये आपको खुद ही नहीं पता चल रहा है कि आप कितने स्टीयरिंग के राउंड काट रहे हो, कितने सीधे कर रहे हो, क्या किया आपको पता है पहिया आपका डायरेक्शन कहाँ है, ये कुछ पता चल रहा है? नहीं। कैसे पता चलेगा, उतर के बाहर देख के आओगे क्या? नहीं। पूरी काटो राइट स्टीयरिंग, फुल काटो, कट गई? हाँ। फुल कट गई? हाँ कट गई। कहाँ से कट गई है? आप सीधी करो एक राउंड, बच्चा एक राउंड सीधा करो, एक और करो, अब पहिया सीधा हो गया है, ठीक है, बगैर बात के दो राउंड राइट कटेंगे, दो राउंड लेफ्ट कटेंगे, तो फिर ऐसे स्टीयरिंग समझ में नहीं आएगा ना, सारा खेल तो स्टीयरिंग का ही है, सीखना किसको है, दिमाग किसको लगाना है, फिर तो आप अगर ध्यान नहीं दोगे, मैं सीधी करने को अपोजिट काट दोगे, तो फिर कल को जब आप चलाओगे तब दिक्कत, तब कल तो नहीं बैठूंगा मैं आपकी गाड़ी में, फिर कौन गाइड करेगा? कोई नहीं। तो फिर एक्सीडेंट हो जाएगा, तो थोड़ा सीरियस हो जाओ ना, एक्साइटेड मत हो, चीज़ों को समझ के करो। अभी गाड़ी की डायरेक्शन, अभी हमको सीधा जाना है, तो स्टीयरिंग सीधा हो चुका है, सिंपल है। अगर आपको ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि आपकी गाड़ी का डायरेक्शन कहाँ है, स्टीयरिंग किधर है, कैसे पता चलेगा पहिया आपका दाएं है या बाएं है, तो सिंपल तरीका मैं बताता हूँ, इसको न्यूट्रल करो हल्का सा ऊपर, ज़्यादा कर दिया ये, ठीक है। अभी क्लच ब्रेक छोड़ दो, गाड़ी कहीं नहीं जाएगी, छोड़ दो क्लच ब्रेक, ठीक है, और उसके बाद क्या करना, अब स्टीयरिंग काटो लेफ्ट, पूरी काट दो, फुल कट गई। हाँ। कभी भी अगर आपको ये कंफर्म करना है कि मेरी गाड़ी की स्टीयरिंग का डायरेक्शन कहाँ है, पहिया मेरा कहाँ है, उसको किसी भी साइड, एक साइड पूरा घुमा दो, जैसे अभी आपने पूरा किधर घुमाया, लेफ्ट। अब सीधा करने के लिए एक राउंड सीधा करो पहले, बस एक और, धीरे धीरे करो बेटा, आप तो राजधानी ट्रेन चला रहे हो, पूरी काटो लेफ्ट, कट गई। अब आराम से एक राउंड सीधा करो, ये हो गया एक राउंड। हाँ। अब वापस एक राउंड और करो, ये पहिया आपका एकदम सीधा हो गया, टू राउंड लेफ्ट, टू राउंड राइट। अब अगर अब आपका पहिया एकदम सीधा है, ठीक है, अभी फर्स्ट गियर डालो, जाओ धीरे से बढ़ाओ, हाफ क्लच छोड़ो। अब गाड़ी कहाँ जा रही, सीधी जा रही, रोको स्टॉप करो, पूरा क्लच धीरे से ब्रेक, हो गया। अभी उसके बाद क्या करना है आपको, अब रिवर्स गियर डालो, डालो, हाँ, अब जाना है आपको पीछे सीधा सीधा, पीछे, सीधी जा रही गाड़ी। हाँ। बैक गियर में एकदम सीधी, जाने दो धीरे धीरे, जाओ स्टॉप, गुड, है ना, तो स्टीयरिंग समझ में आ गया। हाँ। अब आप इसको यहाँ पे चलाओ अपने हिसाब से, फर्स्ट गियर में यहाँ पे चलाओ जैसे आपको सही लगे, अब इसको न्यूट्रल करके पहला गियर कर लो, समझ में आ गया कि किधर बैक करेंगे तो किधर गाड़ी जाएगी। हाँ। चलो पहला गियर डाला, चलो अब जाओ धीरे धीरे चलाओ, न्यूट्रल करके पहला कर लो, अगर डाउट हो तो कन्फर्म कर लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, चलो बढ़ाओ धीरे धीरे, जाओ हाफ क्लच, एक्सेलेटर की कोई जरूरत नहीं, बस चलो ये जो पेड़ है इसका राउंड करो, एक्सेलेटर मत लेना, राइट वाला लेग अपना ब्रेक पे रखना, ठीक है, गुड। अब राइट काट लो पूरा फुल, ये राइट वाला साइड मिरर जैसे क्रॉस करे, चाहे वो पोल हो चाहे पेड़ हो कुछ भी हो, बस अपनी गाड़ी को आप टर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, गुड। कटी रहने दो, फुल फुल कटी रहने दो, कट रही है, जा रही है, देखो फुल स्टीयरिंग आपने टर्न किया, तो इससे ज़्यादा और राउंड नहीं होगा, ये लास्ट मोमेंट है, अब सीधी करो स्टीयरिंग, और अब उधर चलना है वहाँ सीधा उस पेड़ के बगल से, जाने दो धीरे धीरे, गुड, हाँ इधर जाना है आराम से, हाँ गुड, वेरी गुड, गुड, सीधी करो, हाँ बस जाने दो, हल्का लेफ्ट आओ, बस अब राइट चलना है हम लोग को यहाँ से, आराम आराम से, सिग्नल दो राइट का, हॉर्न दो, राइट टर्न करो, काटो राइट, हाँ धीरे धीरे जाने दो, हाँ गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड बॉय, सीधी करो, बहुत अच्छे, नाइस, चलो बढ़ाओ हल्का सा, रेस लो, हाँ और
और अब राइट वाला पैर ब्रेक पे लाओ, क्लच दबा के सेकंड गियर करो जल्दी से, पूरा क्लच दबा के जल्दी से लेफ्ट लाके पीछे खींचो, छोड़ो क्लच धीरे धीरे छोड़ो, गुड वेरी गुड। गाड़ी कौन से गियर में आ गई? सेकंड गियर में। फर्स्ट और सेकंड नॉर्मल आप सीखने के लिए फर्स्ट और सेकंड यूज़ कर सकते हैं, बाकी रिवर्स गियर तो कंपलसरी है ही है, उसका कोई रोल ही नहीं है, उसमें कोई स्पीड का कोई मतलब बाउंडेशन ही नहीं है, है ना। चलो अभी थोड़ा सा रेस करो नहीं तो गाड़ी जर्किंग करेगी। गुड, अब यहाँ पे अभी गाड़ी को राइट रखो हल्का, हाँ लेफ्ट आओ, एक टायर नीचे उतारो, एक टायर हाँ और जाने दो, हल्का और उतारो ताकि पीछे से कोई गाड़ी आए तो आपको डिस्टर्ब ना करे। लेफ्ट आओ बेटा, थोड़ा सा और लेफ्ट, बस राइट रखो हल्का, बस लेफ्ट आओ, बस यहाँ पे रोको पूरा क्लच और ब्रेक, धीरे से क्लच और ब्रेक, झटका ना लगे। गुड, अब रुक गई गाड़ी। अब गाड़ी कौन से गियर में है? सेकंड। अब इसको अगर वापस मूव करना है तो कौन सा गियर करेंगे? फर्स्ट गियर। अब इसको न्यूट्रल करके फर्स्ट गियर करो, फर्स्ट गियर हो गया। अब नॉर्मल होता है क्या है कि जैसे हम चलाएंगे किसी भी गियर में गाड़ी, लेकिन वापस स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट गियर कंपलसरी है। अभी यहाँ पे थोड़ा स्लोप है, हल्का सा चढ़ाई है, देख रहे हो आप, तो अभी क्या करना है, आप ब्रेक से पैर हटाओ तो गाड़ी जाएगी पीछे, ब्रेक से पैर हटाओ, जा रही है पीछे, ये देखो धीरे धीरे पीछे जा रही है, खिसक रही है पीछे, जाने दो, ढलान है इस वजह से पीछे धीरे धीरे जा रही है गाड़ी। अब क्या करना है आपको, अब धीरे धीरे क्लच, हाफ क्लच छोड़ो पहले, अब हल्का रेस लो, गुड बढ़ गई। हाफ क्लच छोड़ने के बाद गाड़ी गियर में एक्टिव हो जाती है, ऐसा कभी स्लोप पे अगर गाड़ी हम रोकते हैं तो जैसे ही हम पहले ब्रेक छोड़ेंगे तो क्या होगा, गाड़ी हमारी पीछे चली जाएगी। नॉर्मल रोड पे हम पहले ब्रेक को रिलीज करते हैं फिर क्लच को छोड़ते हैं, और जो स्लोपिंग वाला रोड होता है वहाँ पे पहले हम ब्रेक नहीं छोड़ेंगे, 1% भी ब्रेक को रिलीज नहीं करेंगे, पहले हम वहाँ पे हाफ क्लच छोड़ेंगे। जैसे ही इंजन वाइब्रेट करने लगेगा, वाइब्रेट का मतलब ये है कि आपकी गाड़ी गियर में एक्टिव हो चुकी है, ठीक है, एक्टिव हो चुकी, तो उसके बाद वो आराम से ब्रेक को आप रिलीज करोगे, गाड़ी धीरे धीरे आपकी बढ़ सकती है, जाने दो धीरे धीरे। गुड, अभी यहाँ पे मैं बताऊँगा आपको क्या करना है, चलते रहो धीरे धीरे, लेफ्ट आ जाओ, हाँ गुड, अब सीधा लेफ्ट ही चलना है, हॉर्न दो, गुड धीरे धीरे। सो गाइस, आपने देखा दीपांकर जी को, इन्होंने रिवर्स करना सीखा, स्लोपिंग सीखा है। तो गाइस अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, आपका दिन शुभ हो।